नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विकास और आज की वीडियो में आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ मैं कि ये जो गूगल पे का जो रिवॉर्ड है जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, तो मेरे को कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि मेरे को 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी मेरा पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि देखिए मेरे ये दो रिवॉर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला रिवॉर्ड है, एक ये वाला, दोनों 301 रुपये के हैं और अभी ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में चल रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मेरा तो ये जो कूपन मिलता है ये AJIO वगैरह का, स्विगी वगैरह का, ये भी सारे कूपन भी मेरे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने एक दिक्कत किया था कि अपना बैंक अकाउंट था वो रिमूव कर दिया था यहाँ से, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी समय हो गया है लेकिन हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो 4 ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है इस पर ओके करना है। ठीक है, इस पर ओके करने के बाद में अब मैं आपको थोड़ा नीचे चल के दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो कैशबैक था ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 अगस्त को 8:32 पर जनरेट हुआ था और ये वाला आप देख सकते हैं 7 अगस्त को 12:16 पर, यानी कि दोपहर में जनरेट हुआ था। और ये मेरा जनरेट हुआ था वो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में ये मेरा जनरेट हुआ है, ये देख रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक मेरा जो रिवॉर्ड है ये वाला, ये पेटीएम पेमेंट बैंक में जनरेट हुआ था जो कि कंप्लीट यानी कि सक्सेसफुली अकाउंट में आ गया था। ठीक है, 6 अगस्त को ही। तो अब ये एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड में क्यों गए ये वाले। ठीक है, एक ये और एक सॉरी एक ये वाला, ये एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड में जाने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्या रीज़न है इनका। देखिए मैंने क्या किया था कि जिस दिन मेरा जो रिवॉर्ड था वो आने वाला था उस दिन एक्चुअली इस पर एयरटेल पेमेंट बैंक लगा हुआ था। ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक लगा हुआ था। ठीक, लेकिन मैंने अपना पेटीएम बैंक लगा दिया था। अब देखिए होता क्या है कि जब हम अपना लिंक किसी को यानी कि रेफ़र करते हैं या फिर अपना ये जो हमारा रेफर जो कोड है इसे लगाते हैं ना किसी के भी मोबाइल में, तो जिस वक्त इसे लगाते हैं उस वक्त हमारा जो बैंक अकाउंट ऐड होता है उसी में ये जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, हमने दिक्कत एक्चुअली ये किया था कि इसे जनरेट होने के बाद में हमने बैंक को अपना रिमूव कर दिया था। ठीक, मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया था चैट के जरिए, कॉल के जरिए, तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन में बैंक ऐड रहने दो, 7 दिन में ही आ जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आज कितना तारीख हो गया, आज 28 तारीख हो गया। ठीक है, और 6-7 तारीख की मेरे 2 रिवॉर्ड ये अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं यानी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में चल रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना फेम बैंक अकाउंट लगा रहने दें। देखिए मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मेरा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में चले गए थे जो कि वीडियो भी मेरा पड़ा हुआ है पुराना वाला, तो वो मेरा लगभग मेरे को 1.5 महीने तक लग गया था। ठीक है, 1.5 महीने तक अकाउंट में आए थे। तो आपको घबराना नहीं है, आपका पैसा है, आपको मिला है, ये कहीं नहीं जाएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको बैंक रिमूव नहीं करना, अगर आप बार बार बैंक रिमूव करोगे, एक भी बार बैंक को रिमूव कर दिया तो समझो वो ऐसे एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड में चलता रहेगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपना यानी कि यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जा कर के चेक कर लेना है कि हमारा ये जो कैशबैक है वो कौन सी बैंक में जनरेट हुआ था। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जनरेट हुआ है तो मैं अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ही लगा रहने दूंगा, आपका जिस बैंक में जनरेट हुआ हो उसी बैंक को लगा रहने दें। ठीक है, और कुछ भाई बोल रहे होंगे कि मैंने बैंक रिमूव भी नहीं किया लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड में चला गया, ये गूगल पे की तकनीकी ख़राबी है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ भाई परेशान हो रहे थे, तो पैसा आपका मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक को फेम लगा रहने दीजिए और वेट करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।